है जो शाम ढलते ही 4 गाड़ियों से बनारस चले जाएं अपनी कोठी मकान में। दुर्भाग्य हो चुका है गाजीपुर का कि जो लोग झंडा बेच देते हैं वही राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। तो मैं उनको यही नसीहत देना चाहूंगा कि वो राजनीति छोड़ दें, क्योंकि उनके राजनीति छोड़ने से ही जनता का सबसे बड़ा भला है। अगर वो जनता का सच में भला करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि, और खास करके मैं बोलना चाहूंगा श्री पंकज सिंह चंचल जी के लिए, कि वो भाजपा के नेता नहीं है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और वो भाजपा के नेता अपने को बोलना बंद कर दें। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव में आप जहां जाते थे, आप जिस बस्ती में जाते थे वहां के झंडा उठा लेते थे, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी जिन लोगों का हाथ आपको जिताने में रहा उनका भी कोई पार्टी के प्रति ईमानदारी नहीं थी। वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, बस कीमत की बात है, क्या कीमत होगी उसकी। वो हिसाब उस हिसाब से अपने झंडे को बेचने में वो सक्षम है। ऐसे लोगों के सपोर्ट से आप बने हैं तो आप अपने आप को निश्चित जिला पंचायत अध्यक्ष कहिए, जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। तो इन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था 2021 में, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद रहे राधे मोहन सिंह जी के बेटे आज हमारे साथ है। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है। जैसा कि आपने बताया, मैं पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी का लड़का हूं, और मेरी माता जी श्रीमती अंजना सिंह हैं, जिन्होंने सैदपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था सन 2021 में। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बात करना जी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित हुई थी उसमें सैदपुर प्रथम का जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत सदस्य का, और इसमें काउंटिंग के समय कुछ मेरे हम लोग के हिसाब से कुछ सही से नहीं किया गया था, बेमानी हुई थी, उसी को लेके चुनाव की याचिका हमने ATJ फर्स्ट गाजीपुर कोर्ट में दाखिल की थी, जिसपे अभी कुछ दिनों पहले फैसला आया है। और उस फैसले पर कुछ टिप्पणियां की गई जो कि किसी तरह की भ्रांति भ्रामक हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो रखी जा रही हैं विपक्षी के द्वारा वो सही नहीं है, उसमें असली साक्ष्य क्या है। अगर मैं चाहूँगा, जो अभी मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर था, आपने अपनी बातों को क्या क्या यहाँ पे मीडिया के सामने रखा, अपनी बातें क्या क्या रखी आपने मीडिया के सामने? मीडिया के सामने जो मैंने बातें रखी उसमें मुख्य कुछ बिंदु थे जी। जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी गाजीपुर के, उनके जो प्रतिनिधि हैं श्री पंकज सिंह चंचल जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल और परसों। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी जिनका क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी था, जिसमें से एक पहली चीज़ तो उन्होंने बोली कि ये सच की जीत है और झूठ की हार है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भ्रामक हमने एविडेंस रखे कोर्ट के सामने, जिसमें कोई भी दम नहीं है, और एक तीर से दो निशाने कर लिए। तो एक तीर से दो निशाना एक तो समझ में आता है कि हमारी बात करें, वो दूसरा कौन निशाना था उसको नहीं बताया उन्होंने। तो यही सब चीज़ों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में हमने बात की, और ये बताया कि जब ये कोर्ट शुरू में 2021 में हमने चुनाव के बाद, एक्चुअली हुआ क्या था उस समय कि हमारे जो बड़े पिताजी थे, अभी नहीं है वो दुनिया में, स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी, उनका देहांत हो गया था इलेक्शन का जो वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले ही। तो पूरा परिवार, चूंकि इस तरह का संस्कार है हमारे परिवार में कि पूरा परिवार बिल्कुल चुनाव अभियान से कोई जैसा लगता था ये कुछ है ही नहीं वो, और हम सारे लोग उसी में परेशान हो गए, उसी में हम लोग शोक में थे। और हमारे परिवार से कोई बूथ पर नहीं गया उस दिन, कोई भी नहीं गया, ना मैं गया, ना हमारे भाई गए, ना पिताजी, कोई भी नहीं गया। बस जो हमारे लोग थे, जो कि जिनका बयान कोर्ट ने लिया, वो लोग ही गए वहां पर। तो इसी की आड़ में उन्होंने काउंटिंग के समय, चूंकि हम लोग लीड करते रहे, और सुबह 4-5 बजे के लमसम कुछ ऐसी चीजें वहां गतिविधियां हुई जिसका कुछ अंदाजा हमें पहले से था, पर हम उस चीज को उस समय इतना कंसिडर नहीं करते, क्योंकि दरकिनार कर दिया क्योंकि इस तरह की आपदा एक आ गई थी परिवार पे कि हम लोग फिर वो संस्कार कहता नहीं था कि उसमें बहुत ज्यादा लगने की जरूरत। तो कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया उस समय, जो आज इनके दुश्मन भी हैं, जिनको अब ये अपना बोलते हैं कि एक तीर से दो निशाना कर दिया। उस समय
बड़ा क्रेडिट भी दिया गया सबको इस जीत के लिए। तो उस समय इस तरह की बीमारियां हुई तो वहां पे एक अफवाह फैला दी गई, क्योंकि वहां पर सुमित सिंह थे जो सांसद जी के प्रतिनिधि हैं और भी लोग थे, तकदीर था, अनुराग था, तो वहां पे एक भ्रांति फैलाई गई कि 1300-1400 वोट के मार्जिन से हम हार गए हैं। तो मतलब वो आप चुनाव हम लोग जी श्रीमती अंजना सिंह जो माता जी हैं हमारी जी। वो चुनाव हार गई। तो हमें लगा 1300-1400 बड़ा अंतर है, बड़ा ताजुब था हमें क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, पर ठीक है चुनाव ऐसा ही होता होगा, हम सोच के वापस आ गए। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ऑनलाइन होती हैं सारे दस्तावेज तो उसमें वोट के डिफरेंस का मार्जिन 31 दिखाया गया, 31। अब आप सोचिए कि 25-26 गांवों में अगर 31 वोट के मार्जिन से हारे हैं तो कुल मिला के 16 वोट आपके उधर से इधर आ जाएं या इधर से उधर हो जाएं तो पूरा चुनाव पलट सकता है। मार्जिन तो 31 वोट की थी पर 16 वोट आप में कम हो जाए, मेरे में बढ़ जाए। तो हमें लगा, हम लोग को लगा कि इसमें फिर कुछ बात हो सकती है। तो जब हमने फॉर्म 48, 49, 50 और 51 चार फॉर्म होते हैं जो निर्वाचन आयोग देता है, इसमें 48, 49 में रफ लेखा जोखा होता है बूथ वाइज कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े, और 50-51 में वो फेयर वर्क करके उसको फाइनल जोड़ के बताते हैं कितना वोट था। तो उसमें हमने बहुत ढेर सारी भ्रांतियां पाई। जैसे सिदरा एक गांव था, उसमें 0 वोट दिखाया गया कि पोल हुए किसी ग्राम गांव में आपको एक भी वोट, हमें नहीं, किसी को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट पोल ही हुए, मतलब कोई घर से उस दिन निकला ही नहीं। और आश्चर्य की बात है कि उसी समय ग्राम पंचायत का भी चुनाव था, उसमें प्रधान भी जीते और जिला पंचायत में क्या लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसा कभी हो सकता है? मतलब कि जिला पंचायत के जिस गांव में वोटिंग हुई हाँ, तो ग्राम प्रधान को लोगों ने वोट दिया, वोट दिया, लेकिन जिला पंचायत सदस्य को किसी ने वोट नहीं दिया, 0 वोट। और ऐसे ही रमरेपुर के 2 बूथ थे, उनके लेखा जोखा नहीं है, उनका नाम ही हटा दिया गया, वो बूथ संख्या हटा दी गई। उसके बाद अनौनी के वोटों को हटा दिया गया, 1-2 ग्राम सभा में जितने वोट थे उससे ज्यादा पोल हो गए। तो जब इस तरह की भ्रांतियां देखी तो फिर श्री राधे मोहन सिंह जी ने, जो हमारे पिताजी हैं, वो गए और निर्वाचन आयोग के अधिकारी 31 वोट के, हमें अगर हमें उसी दिन पता चल गया होता है कि मार्जिन 31 वोट की है तो शायद रिकाउंटिंग की बात हम करते, पर उस दिन एक हल्ला मचाया गया, एक अफवाह फैलाई गई कि मार्जिन 1300-1400 वोटों का है। तो फिर हमको लगा फिर कुछ भी नहीं है इसमें, एक चुनाव था वो बीत गया। पर जब मार्जिन 31 वोट का आया कुछ दिनों बाद तब फिर हमारा माथा ठनका, ऐसा लगा कि यार 31 वोट का मार्जिन है, इसका मतलब जब 26 ही गांव के चुनाव में 31 वोट का मार्जिन है, मतलब एक गांव में एक वोट भी गलत गिन लिया जाए तब भी चुनाव परिणाम बदल सकता है। तो फिर हमें लगा कि फिर हमें जाना चाहिए एक बार कोर्ट के, और लोग बोलते रहे कि 5 साल बीत जाएगा फैसला नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी देखे तो इस तरह के जो भी मसले रहे हैं चुनाव के उसमें 5 साल में डिसीजन नहीं आते हैं। तो बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि 5 साल में कुछ नहीं होने वाला है, 5 साल के बाद डिसीजन आएगा जब कार्यकाल बीत जाएगा, पर आज हम बैठे हैं, आज 2.5 साल जिला पंचायत का है और 2.5 साल बचा हुआ है अभी, और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठना हमारा ध्येय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस हमारा ध्येय है कि जनता जो उस दिन सारे काम छोड़ के अपने घर से निकली वोट मारने के लिए, उस जनता के वोट का अपमान ना होने पाए, जो गाजीपुर का प्रथम नागरिक हो वो एक ऐसा हो जो उस गद्दी पे, उस सीट पे सुशोभित हो सके, और सही मामले में जो उसका अधिकारी हो वो उस पर बैठे। ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं न्यायालय के माध्यम से। अभी अगर आपने बात की निर्णय भी आया, अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो राधे मोहन सिंह जी शायद यहाँ पे थी नहीं, आपने ही प्रेस वार्ता की, और तो आगे आपका कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारा कदम है कि देखिए, जब शुरू में ये याचिका हमने दाखिल की जिला कोर्ट में तो उस समय भी इस तरह के कुछ चीजें हुई जिससे शुरू में केस को खारिज करने की कोशिश की गई और कर भी दिया गया जिला कोर्ट से, ये बोल के कि कोई भी याचिका को चुनाव के 30 दिन बाद तक दाखिल हो जाना चाहिए। पर उस समय कोरोना का पीरियड था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कोरोना के वक्त ये 30 दिन का नोटिस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जब भी कोर्ट बंद रहेगा या इस तरह की चीजें रहेंगी, जब व्यक्ति आके चुनाव याचिका को नहीं दाखिल कर पाएगा। तो जिला कोर्ट ने इस चीज को कंसिडरेशन में ना लेते हुए एक फैसला दिया उस समय, हमारी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर नहीं फैसला हुआ। फिर हम लोग हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट जब हम गए इलाहाबाद तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हुए, कोर्ट करते हुए बताया कि साफ साफ उस ऑर्डर में लिखा है कि द कोर्ट वॉज नॉट एबल टू टेक इन टू फेल्ड
द लोअर कोर्ट फेल टू टेक इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द नोटिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो इस चीज को जब उस हाईकोर्ट ने गाइडलाइन वापस की तो ये वापस हमारी याचिका को एक्सेप्ट किया गया। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि जिला कोर्ट ने इस चीज पे सुनवाई नहीं की पर हमने उच्च न्यायालय में जाके इसको वापस किया है। तो आज मुझे लगता है फिर एक वही क्षण है, क्योंकि एक पॉजिटिव साइड देखे तो अभी 2.5 साल है इंसाफ के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और उन्हीं के ही अथक प्रयास, हाँ श्री आलोक सिंह जी, तो उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से और जो हमारे वकील हैं स्वयं प्रकाश राय जो कि सबसे ईमानदार वकीलों में होंगे गाजीपुर कोर्ट के, और आप उनको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी की कीमत एक व्यक्ति के जीवन में क्या होती है। उनके चलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि एक ईमानदारी की वो कितना अच्छे से एडवोकेट, ही एडवोकेट ऑफ ऑनेस्टी। तो उनके लगने से, उन दोनों लोग के लगने से 2.5 साल में फैसला आया है। और एनीवेज इस फैसले को हाईकोर्ट से ही निर्धारित होना था, क्योंकि कोई भी जीतता तो वो चैलेंज करता हाईकोर्ट में, जिसको भी लीगल थोड़ी सी भी नॉलेज होगी वो जानेगा इस बात को कि कोई भी पक्ष जीतता, अगर लेट से हम लोग भी जीत जाते तो इसको हाईकोर्ट में वो चैलेंज करते और मोस्ट प्रोबेबली स्टे लेते इस पर। तो ये तो हमारी जीत है एक तरीके से, क्योंकि अब ये जिला कोर्ट से बात चली गई है, अब ये माननीय उच्च न्यायालय में ये बात जाएगी। और मुझे लगता है 2.5 साल का वक्त बहुत है, मुझे तो लगता है अगर आखिरी दिन भी फैसला आता है हाईकोर्ट से और जनता को पता चल जाए कि नहीं उनका वोट व्यर्थ नहीं था, उन्होंने गाजीपुर के प्रथम नागरिक के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा था जिसने गाजीपुर में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया, यहीं पे उनका आवास है, यहीं पे उनका गांव है, वो गाजीपुर से कहीं जाते नहीं, वो लोगों से मिलते हैं, वो उस तरह के नेता नहीं है जो शाम ढलते ही 4 गाड़ियों से बनारस चले जाए अपनी कोठी मकान में, वो इसी इन्हीं लोगों में रहते हैं, यहीं के किसानों गरीबों के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि जमीनी नेता को बड़ी जरूरत है गाजीपुर की। और इसी की ये लड़ाई है कि वो जमीनी नेता हम ना खो पाए जो दिन भर कुर्ता पैजामा पहन के लोगों के बीच संघर्ष करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा जरा हटके अगर मैं बात करूँ, खेलों में भी मैं देखता हूँ हर खेलों के खिलाड़ियों को आपने प्रमोट किया है, वो गरीब वर्ग के भी बच्चे सबसे ज्यादा मिलते हैं इंटरनेशनल सर्किट में। हाकी में अगर हम कहें तो गाजीपुर का एक दबदबा अगर है तो वो करमपुर की बात आती है। जी जी। तो मैं जरूर वो लम्हे आज साझा करूंगा, आपके पापा से तो हम लोगों की बातें होती है लेकिन कैसे ये सब आप कर लेते हैं, जैसे राजनीति भी देखनी है, घर परिवार भी है और खेलों में भी बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर आते हैं। आपने अपने बड़े पापा जी का भी नाम लिया जो कि सभी लोग भारत पूरा भारत जानता है, मैं चाहूंगा कुछ जरूर आप बताएं। जिस आपने बहुत बढ़िया बिंदु उठाया, क्योंकि जो खेल के लिए मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर का योगदान रहा है और वहां का एक पूरा जो इकोसिस्टम है उस गांव का, हर एक घर बाद कोई फौज में है, कोई BSF में है, कोई रेलवेज में है, कोई AG में है, तो हर तरह के विभाग में वहां के लड़के हैं। और वो लड़के अगर शायद वहां वो स्टेडियम नहीं रहता या शायद मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह की वो लगन नहीं रहती तो शायद वो बच्चे अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते एक आम जीवन जीने के लिए, अपने माँ बाप को सम्मान दिलाने के लिए, एक पक्की छत बनाने के लिए। आज आप मेरे गांव आएंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ी, मैं अभी कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब लोग धीरे धीरे गांव से थोड़ा बाहर जाके सड़कों पे पक्के मकान बना रहे जिनके टूटे घर थे जिन बच्चों के, जैसे राजकुमार पाल हमारे गेंद से अभी इंटरनेशनल खेल रहा है इंडिया का, वो 3 भाई हैं, वो लोग सबसे बड़े जोखन भाई हैं, फिर उसके बाद राजू, फिर राजकुमार, और उनके पिताजी हमारे बड़े पिताजी के साथ ही काम करते थे, उन्हीं की वो ट्रक चलाते थे और किसी हादसे में उनका देहांत हो गया। उसके बाद से आज जोखन आर्मी में है, राजू रेलवेज में TT है और राजकुमार पाल इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, वो AG में है और इतना शानदार मकान उनका रोड पे बन रहा है। तो जब भी मैं उस मकान को मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या इस तरह का बदलाव कोई व्यक्ति अपने एक जीवन में ला सकता था। तो मुझको लगता है कि ऐसा बदलाव करमपुर गांव में आपको देखने को मिलेगा। और तो करमपुर की मैं बात करूं तो बदलाव की बयार वहां पर दिखती है, मेरे सामने बैठे हैं ललन सिंह जी, मुझे याद है जब अखिलेश जी वहां पर आए थे और हॉकी के करोड़ों रुपए लगे उस टर्फ का उन्होंने उद्घाटन किया। आज भी मैं जब सोचता हूँ स्पोर्ट्स को हम लोग काफी सलीके से देखते हैं, मुझे वो क्षण याद है। लेकिन अगर मैं आपसे
साझा करूं, बातें भी आपकी होती होंगी। अब वो दिमाग में कैसे आया, आप हो या आपके पापा हो या जनपद के लिए ये सबसे जरूरी। जैसा कि आपने बताया वो टर्फ को आप बता रहे हैं, तो वो टर्फ ने बहुत बच्चों का कल्याण किया है और अभी रिसेंट भी आप शायद एक न्यूज सुने हो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से वहां पे एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि टर्फ लगने में तो 1983 से मेरे बड़े पिताजी ने वो अकेडमी में वो शुरू किया, चट से चालू किया, फिर धीरे धीरे बाउंड्री बनी, फिर ग्राउंड बना और इतने सालों में फिर पिताजी हमारे सांसद बन गए जनता के प्यार से और उन्होंने वहां पर टर्फ, ये प्रक्रिया में 20 साल लग गए। और मुझे याद है महाराज जी से मेरी 3 बार मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मुझको लगता है 1.5 से 2 महीने के ही समय में इन 3 मुलाकातों में उन्होंने स्टेडियम को ये 5 करोड़ का उपहार दे दिया। और अगर वो टर्फ से, उस टर्फ में ये क्षमता है कि वहां पे ओलंपियन और 14 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को वो दे सकता है, तो मुझे लगता है कि इंडोर स्टेडियम आने के बाद देश की टीम में करमपुर की प्रतिभागिता 30-40% खिलाड़ी तो मुझे लगता है करमपुर स्टेडियम के होने वाले हैं, तो ये पूरे गाजीपुर के लिए बड़े गर्व का विषय है। अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे नेता मंत्री होते हैं और लगातार ये कारवां चलता भी है, लेकिन मंत्री सांसद विधायक के पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी खेलों से खिलाड़ियों से एक ऐसा जुड़ाव, अगर मैं कहूँ सच में गुमानसा होता है कि यार मैं राधे मोहन सिंह का बेटा हूँ, यार खेलों में जो प्रसिद्धि अर्जित कर ली है अभी भी खिलाड़ियों को लगातार प्रमोट आप लोग करते हैं, कैसा लगे? देखिए, खिलाड़ियों को प्रमोट करके जो उनकी नौकरी लगती है, वो देश के लिए खेलते हैं, जब हम लोग टीवी ऑन करके उनको खेलते हुए देखते हैं, जैसे अभी भी कोई खिलाड़ी अगर खेलता है तो अभी मैंने कुछ दिन पहले उत्तम सिंह का मैच देख रहा था, तो कमेंट्री, वो अभी जूनियर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो कमेंटेटर बोलता है कि वो जब बॉल रिसीव करते हैं तो कमेंटेटर बोलता है कि दिस इज उत्तम सिंह द कैप्टन ऑफ जूनियर इंडिया टीम हु बिलोंग्स फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड करमपुर इन गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो वो कमेंट्री को आज दुनिया सुन रही है, तो यही सब गर्व की अनुभूति होती है जब एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक छोटे से गांव का नाम लिया जाए। और कभी कभी कमेंटेटर्स बड़े पिताजी का भी नाम देते हैं, तो मुझको लगता है आप देखिए आज बड़े पिताजी भी 2021 में ही वो अप्रैल में गुजरे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन या तो किसी बच्चे ने उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस ना लगाया हो या हम कहीं बैठे हों उनकी चर्चा ना होती हो। इतना विशाल व्यक्तित्व की आज उनके हम लोग के बीच में ना रहने के 2.5 साल बाद भी लोग उनका नाम ले रहे हैं। आप मुझको बताइए कि लोग जीवन त्यागने के बाद कोई कोई किसी को याद नहीं करता है। और मैं एक बार इस पे बहुत बढ़िया एक लेख भी लिख रहा था कि आदमी अपने जीवन को सोचता है कि यहाँ पे जब जन्म लिया और मर गया तो 60 साल का इनका जीवन रहा, पर ये गलत है। जो हम जीवन स्मृतियों में जीते हैं, मेमोरीज में, वो भी तो एक जीवन है। हम शारीरिक रूप से वहाँ नहीं मौजूद हैं, आज वो यहाँ शारीरिक रूप से नहीं मौजूद हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है, उनकी है। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो स्मृतियों में हम एक जीवन जीते हैं, जो मेमोरी में जीते हैं, वो भी तो एक जीवन है, वो भी तो आज जिंदा ही है हमारे बीच में। तो उन्होंने जैसा काम किया, मुझको लगता है आने वाले कई सालों कई वर्षों तक उनका नाम लिया जाएगा। आज तक लोग उनका नाम लेके बहुत लोगों की तो वो गुरु रहे, भगवान रहे। तो मुझे लगता है ये सीखना चाहिए उनसे कि ये शारीरिक जीवन तो एक दूसरा जीवन, एक जो जीवन आदमी स्मृति में बना लेता है, लोगों को यादों में बना लेता है, वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। दोस्तों, गाजीपुर जिले में मेघवरण सिंह हॉकी का स्टेडियम, जब मेघवरण सिंह जी इस दुनिया में नहीं थे, और गाजीपुर जिले के अगर हम कहें खेलों के द्रोणाचार्य वो कहे जाते हैं और आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी स्मृतियां दिल में सजोए रखते हैं। एक खास मुलाकात आज थी गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी के बेटे, पहली बार हमारी मुलाकात हुई और इन्हें भी ये शुभकामनाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारी मुलाकात थी, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया और मेरे चैनल की ओर से आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं कि ये जो इससे पहले, क्योंकि आपको मैंने, आप ये बाइट लेने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लेके आप लोग भी एक बढ़िया न्यूज, क्योंकि देखिए वकील साहब अभी बैठे थे, आधे घंटे में उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जितने भी पत्रकार वहां बैठे थे, पत्रकार बंधु, सबने इस बात को बोला कि ये बात हमें तो समझ में आ गई पर कोर्ट को हम समझाने में अगर सक्षम रहे, लोअर कोर्ट को, तो
ठीक है फिर हम हाईकोर्ट में जाएंगे, जैसे पहले भी हमने वहां पे जीत हासिल की है। तो जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं समाज में, जिनका कायदे से जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, वो आजकल तो ये दुर्भाग्य हो चुका है गाजीपुर का कि जो लोग झंडा बेच देते हैं वही राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। तो मैं उनको यही नसीहत देना चाहूंगा कि वो राजनीति छोड़ दें, क्योंकि उनके राजनीति छोड़ने से ही जनता का सबसे बड़ा भला है। अगर वो जनता का सच में भला करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि, और खास करके मैं बोलना चाहूंगा श्री पंकज सिंह चंचल जी के लिए, कि वो भाजपा के नेता नहीं हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और वो भाजपा के नेता अपने को बोलना बंद कर दें, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव में आप जहां जाते थे, आप जिस बस्ती में जाते थे वहां के झंडा उठा लेते थे, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी जिन लोगों का हाथ आपको जिताने में रहा उनका भी कोई पार्टी के प्रति ईमानदारी नहीं थी। वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, बस कीमत की बात है, क्या कीमत होगी उसकी, वो हिसाब उस हिसाब से अपने झंडे को बेचने में वो सक्षम है। ऐसे लोगों के सपोर्ट से आप बने हैं तो आप अपने आप को निश्चित जिला पंचायत अध्यक्ष कहिए जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, पर आप प्लीज भाजपा का नेता अपने आप को बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि भाजपा एक मजबूत विचारधारा की पार्टी है और मजबूत विचारधारा के लोग जैसे माननीय मनोज सिन्हा जी जैसे लोग अगर ये बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति जो आजीवन उस पार्टी में रह गया।